बंधुओं, दान देने से वस्तु घटती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। दान देकर इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी दान की दीवार को नहीं लांग सकती। आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महीने में दिए जाने वाली एक ऐसी वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे जिसका दान करने वाले को यमदूतों का भय नहीं रहता तथा न ही यमदूत उसे सताते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माघ मास एक ऐसा महीना है जिसमें किए गए दान स्नान का अक्षय फल होता है। इस महीने में मघा नक्षत्र पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस माह का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में पवित्र सरोवरों व नदियों में डुबकी लगाकर स्नान करने वाले मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान हरि को पूजा करने से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में किए गए दान व स्नान से होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माघ महीने में तीर्थों में स्नान व दान अवश्य करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार माघ महीने में घी, वस्त्र, कंबल, ईंधन, तिल, कपास, फल व अन्न के दान का विशेष महत्व होता है। बंधुओं, वैसे तो पुण्य में किया गया प्रत्येक कर्म ही दान कहलाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों व पुराणों में अलग अलग समय में किए जाने वाले दान की विशेष वस्तुओं का उल्लेख है। आज मैं आपको उस वस्तु के दान के बारे में बताऊंगी जिसे माघ महीने में दान करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है तथा जिसे दान करने वाले को कभी यमदूतों का भय नहीं लगता। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति माघ महीने में लकड़ी का दान करता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। लकड़ी से बनी किसी भी चीज का दान करने वालों को यमदूत नहीं सताते तथा यमलोक का मार्ग जीव आसानी से पार कर लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को आग के अंगारों पर चलना पड़ता है, किंतु जो प्राणी माघ में लकड़ी का दान करता है उसका रास्ता आसानी से कट जाता है। बंधुओं, माघ मास में कड़ाके की ठंड पड़ती है। सूर्य भगवान मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण के समय दिन लंबे व रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार सूर्य भगवान के कण कण में अग्नि का वास रहता है, ठीक उसी तरह लकड़ी के रोम रोम में भी अग्नि का ही वास होता है। ये बात अलग है कि जलने के बाद अग्नि प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है। हमारे तत्वदर्शी मुनियों ने माघ महीने में ईंधन के दान को सबसे उत्तम दान इसलिए कहा है क्योंकि लकड़ी में भी सूर्य के समान गर्मी होती है। घी और कंबल का दान भी इसलिए महत्वपूर्ण बताया है कि इनके माध्यम से मनुष्य ठंड से बचता है। गर्मी में जैसे जल के दान का महत्व है, वैसे शीत ऋतु में ईंधन के दान का महत्व है। आप भी इस बार माघ महीने में यथाशक्ति पवित्र नदियों में स्नान करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य व दान करें। घी, कंबल, तिल, कपास, फल व अन्न का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बार बीते सालों की अपेक्षा सर्दी अधिक है, इसलिए लकड़ी का दान अवश्य करें। चकला, बेलन, चारपाई, चौकी, किसी भी लकड़ी से बनी छोटी बड़ी चीज का दान करें। लकड़ी न हो तो काले कोयले का दान करें। माघ माह में एक पौधा भी अवश्य लगाएं ताकि भविष्य में और अधिक वृक्ष बने तथा पर्यावरण को भी बचाया जाए। शास्त्र कहते हैं कि माघ माह में जो किसी जरूरतमंद को लकड़ी का दान करता है उसकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। भगवान श्री हरि को अति प्रिय माघ महीना आप सबके लिए शुभ व मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।